तो हेलो गाइस, गाइस कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छे ही होंगे क्लास में। गाइस आज की वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ बाइट स्टूडियो पे। मैं अब अगर आप बाइट स्टूडियो की लैंग्वेज आप बदलना चाहते हैं, आप देख सकते हैं फिलहाल आप ऐसी लैंग्वेज है आपकी, ऐसी आपकी लैंग्वेज होने के बाद कोई भी दिक्कत हो रही को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। गाइस लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, मैं इंग्लिश करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस कोई ऑप्शन नहीं है लैंग्वेज चेंज हो जाए। जो लैंग्वेज चेंज होने के बाद सिंपली आपको इस पर बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको एक क्रोम अपना मोबाइल क्रोम ऐप ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना, मोबाइल क्रोम पे टच करेंगे। मोबाइल क्रोम की होम स्क्रीन पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टैप करना है यूट्यूब कॉम। मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, देखने के बाद गाइस आप अपने लोगों के लिए कॉर्नर में लोगो है इसको टच कर लीजिएगा। टच करने के बाद गाइस ये सेटिंग सीख ली है, इस पर सेटिंग पे टच करिए। सेटिंग पे टच करने के बाद गाइस देख सकते हैं, सेटिंग पे टच करने के बाद गाइस अकाउंट लिखा है, ये अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइस अकाउंट पे क्लिक करें, लैंग्वेज पे ऐड करना, लैंग्वेज पे क्लिक करना। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद जो भी कोई आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस फिलहाल आपको मुझे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप सिंपली बैक आ जाना। आपको आप देख सकते हो मेरी वहाँ पर लैंग्वेज सेट हो चुकी होगी। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश सेट हो चुकी है। सेट होने में गाइस आप परेशानी आसानी से हैंडल हो जाएगी। हैंडल होने में गाइस कोई भी तकलीफ हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, ये स्टेप्स